नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज खबर प्रयागराज मेजा से। विकासखंड उर्वा क्षेत्र अंतर्गत रामनगर स्थित शीतला हॉस्पिटल में शनिवार रात लगभग 9 बजे बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने के कारण लाखों की संपत्ति जलकर हुई खाक। अस्पताल के कर्मचारियों की सूझबूझ ने बचाई मरीजों की जान। मिली जानकारी के अनुसार रामनगर स्थित शीतला हॉस्पिटल में शनिवार रात्रि लगभग 9 बजे के आसपास बिजली के शॉर्ट सर्किट से मेडिकल स्टोर रूम में आग लग गई, जिसमें देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। स्टोर में रखे मेडिसिन, कंप्यूटर, सर्जरी टूल किट सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। वहां मौजूद हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए भर्ती मरीजों को बाहर निकालते हुए आग बुझाने का प्रयास किया। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आगजनी में हॉस्पिटल के निदेशक धीरज श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। रात्रि होने की वजह से कहीं भी किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है जी। कब लगा था आग? कल रात 9 बजे आग लगी शॉर्ट सर्किट से। इतनी भयानक आग थी कि ऐसे बुताना मुश्किल था, इसलिए सारे पेशेंटों को बाहर किया गया। बेड सहित पेशेंट सारे बाहर आए। उसके बाद हम लोगों ने 2 घंटा मेहनत करने के बाद आग पे काबू पाया गया। लगभग कितने पेशेंट थे आपके हॉस्पिटल में? से 5 पेशेंट थे। 5 पेशेंट थे। अच्छा, आग में आपका सामान कितने का नुकसान हुआ होगा? 2 से 2.5 लाख। 2 से 2.5 लाख। अच्छा, इसकी सूचना आपने कहीं दिया था? जी नहीं, अभी कहीं नहीं सूचना दिया था, क्योंकि हम लोग को पहले पेशेंटों का जान बचाना था और आग पे काबू पाने की। क्या नाम है आपका? धीरज श्रीवास्तव, शीतला हॉस्पिटल के निदेशक। प्रयागराज से गोपाल जी के साथ चंद्रदीप सिंह की रिपोर्ट।